दोस्तों नमस्कार, मुकनाक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, दीक्षा भूमि का मामला फिर से गंभीर होते दिखाई दे रहा है। बहुत ही गंभीर मामला हो रहा है ये, और जो अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए जो गड्ढे बनाए गए थे वो अभी तक वो गड्ढे यानी जो कहते हुए भरे नहीं गए, और आने वाले अक्टूबर में यानी 12 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आ रहा है, और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करके चले जाते हैं। ये परम पावन भूमि का चरण स्पर्श करके लोग यहाँ चरण स्पर्श करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अभी तक ये जो गड्ढे हैं क्यों नहीं बुझाए गए? अभी समय ही कितना बचा है धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए? बहुत ही कम समय बचा है, और इस कम समय में कैसे ये लोग उस जो जमीन जो गड्ढे बनाए गए उसको कैसे बुझाएंगे और कैसे समतल करेंगे? क्योंकि लोग यहाँ आने वाले लोग तो हर जगह से यहाँ आते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन लोग यहाँ आते हैं लाखों की संख्या में यहाँ, और इसी के ऊपर भारतीय बौद्ध महासभा ने अभी एक गंभीर इशारा दिया है। बहुत बड़े आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है भारतीय बौद्ध महासभा, और 20 सितंबर तक उनको अल्टीमेटम दिया है कि 20 सितंबर के पहले ये गड्ढे बुझाए जाए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन स्मारक समिति के खिलाफ किया जाए। और पत्रकार परिषद ली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, इसमें भारतीय बौद्ध महासभा के पद्माकर गणवीर जो है संगठक है, भीमराव पुसे है महाराष्ट्र के संगठक है, गोडबोले सर है, सुजाता ताई रामटेक है, आनंद साय है, इन लोगों ने भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी है, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 20 सितंबर तक अगर से गड्ढे नहीं बुझाए गए तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं वो, और हो सकता है कि इसका उग्र रूप भी दिखाई देगा। लेकिन जो स्मारक समिति है और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने इसके पहले 20 सितंबर के पहले जो गड्ढे हैं दीक्षा भूमि पर जो बने हुए हैं अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए जो बनाए गए थे वो बुझाने चाहिए, वो धरती समतल करनी चाहिए, तभी तो लोग वहाँ पर आकर कम से कम खड़े होकर रह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस।